साथियों, बगल में त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों ने, लेफ्ट वालों ने वैसे ही अराजक शासन चलाया जैसे यहां पश्चिम बंगाल में चला रहे। दोनों ही राज्यों में सामान्य जनता त्रस्त हो चुकी थी, बदलाव के लिए तड़प रही थी, जनता में से बदलाव की पुकार उठी थी। पश्चिम बंगाल के लोगों ने दीदी पर भरोसा किया और त्रिपुरा के लोगों ने, वहां टीएमसी थी लेकिन उसको घुसने नहीं दिया, इंतजार किया। लेफ्ट वालों का जुल्म सहा लेकिन इंतजार करने के बाद मौका हाथ में ही सारा कारोबार बीजेपी के हाथ में दे दिया। ये बंगाल के लोग समझदार है। आज त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल दोनों का फर्क आज पूरा देश देख रहा है। त्रिपुरा में हमने लेफ्ट के मॉडल को बिल्कुल अपनाया नहीं, उसको ध्वस्त करने के लिए कदम उठाए, गुंडों को हटाया, ब्यूरोक्रेसी की कमियों को ठीक किया, विकास की को प्राथमिकता देकर के विकास की पटरी को आगे बढ़ाया। लेकिन यहां दीदी ने क्या किया? दीदी ने यहां शॉर्टकट पकड़ा और जब आप रेलवे की पटरी क्रॉस करते हो तो वहां एक बोर्ड लगा रहता है, शॉर्टकट भी इसका क्यू शॉर्ट। दीदी ने शॉर्टकट अपनाया और उन्होंने क्या किया? जो तौर तरीके लेफ्ट वालों के थे, जो कमियां लेफ्ट की थी, जो गुंडाशाही लेफ्ट की थी, वो सारी की सारी दीदी ने अपने गले मंडली और उसी के रास्ते पर चल पड़ी। राजनीति और अपराध का एक खतरनाक मॉडल भी दीदी ने खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के शासन के बाद इस तरह सरकार चलाई जाएगी, इसकी उम्मीद न हिंदुस्तान में थी, मुझे भी नहीं थी। मैं सोच नहीं सकता था कि दीदी इस प्रकार के रास्ते पर चल पड़ेगी। साथियों, मां शारदा को पूरा देश पूजता है, उनसे हमें ज्ञान सद्बुद्धि मांगते हैं, लेकिन इन्होंने बंगाल को शारदा स्कैम से बदनाम कर दिया। रोज का नाम सुनते ही लोग फूलों की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में रोज सुनते ही गरीबों को कांटा चुभने की याद आने लगती है। नारद मुनि तीनों लोकों में नारायण का जाप करते थे, लेकिन इन्होंने पश्चिम बंगाल की पहचान नारदा घोटाले से जोड़ दी। शारदा नारदा, रोज भाई और बहनों, इन घोटालों ने आपके जीवन भर की कमाई को लूट लिया। लूट की रकम किसकी तिजोरी में गई है ये आप भली भांति जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, गरीबों को लूटने वाले एक एक लुटेरे का हिसाब ये चौकीदार करके रहने वाला है। साथियों, ये आपका चौकीदार आपके हितों की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए पूरी तरह चौकन्ना है, पूरी तरह समर्पित है। आपका ये चौकीदार घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में एनआरसी लेकर के आया, दीदी ने वहां पर भी इस पर ब्रेक लगाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन झूठ के सहारे चलने वाली दीदी वहां भी विफल हो गई। आपका एक चौकीदार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर के आया है। हमारी कोशिश मां भारती के
की संतानों को, मां भारती में आस्था रखने वालों को सुरक्षा देने की थी। दीदी ने अपने महामिलावटी साथियों के साथ मिलकर इस पर भी ब्रेक लगाने के चक्कर में है, लेकिन ये चौकीदार इस विषय में भी पूरी तरह से चौकन्ना है।